फ्रेंड मैं प्रदीप, स्वागत है तुमने न्यूज फैक्टर के में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे फ्रेंड्स हम ट्रिक द्वारा सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं और एग्जाम में आते हैं फ्रेंड आपका टाइम ले लेते हैं, तो फ्रेंड हम इसको ट्रिक से माध्यम से बहुत आसानी से हल करेंगे। तो आइए फ्रेंड देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड, पहला क्वेश्चन कह रहा है 100 से 200 के बीच, 100 से 200 के बीच ऐसे कितनी संख्या जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है। 100 से 200 के बीच कितनी संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाज्य है। तो फ्रेंड आपको मैं बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ, इससे आसान तरीका आप नहीं पाओगे। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, सिंपली जो संख्या जिसके बीच की संख्या दी हो उन संख्या में 3 से डिवीजन कर दो। पहले 3 से 100 में भाग दे दो। फ्रेंड्स, 3 से 100 में भाग दे दो, आप देखोगे फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आ जाएगा, 33 इसका भागफल आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरह 3 से डिवीजन करना है आपको 200 में, 3 से डिवीजन करना है 200 में, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आ जाएगा आपको 66। फ्रेंड्स, यदि शेष बचता है तो बचने दो, शेष पे आप ध्यान नहीं दो, भागफल पे ध्यान दो। किस पे फ्रेंड? भागफल पे, जितना भागफल आए, जितना भाग देने पे भागफल आए फ्रेंड्स, जो बड़ा वाला भागफल है उसको छोटे वाले भागफल में घटा दो, जो बड़ा वाला भागफल है फ्रेंड्स बड़े वाले में से छोटे को घटा दो, तो 60 माइनस 33 बराबर 33 आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपसे सवाल पूछा है 100 से 200 के बीच कितनी संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होती है, आपको करना क्या है, सबसे पहले 3 से 100 में भाग दे देना है, 3 से ही 200 में भाग दे देना है। फ्रेंड्स, जो भागफल आए, जो फ्रेंड्स भागफल आए, भागफल को ध्यान देते हैं, बाकी शेषफल को छोड़ देते हैं, जो बड़ा वाला भागफल होता है उसमें से छोटे वाले घटा देते हैं, हमें आंसर प्राप्त कर लेते हैं। फ्रेंड, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 100 से 800 के बीच, 100 से 800 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूर्णतः विभाज्य हैं। फ्रेंड कह रहा है 100 से 800 के बीच कितनी संख्या है जो 8 से पूरी पूर्णता से कट जाए। तो फ्रेंड आइए देखते हैं इसका सलूशन। पहले क्वेश्चन में हमने फ्रेंड आपको बताया था, फ्रेंड्स क्या करते हैं, सिंपली जो संख्या दी होती है उसमें से जो संख्या से भाग देना होता है उसी से भाग दे देते हैं। फ्रेंड्स, 8 से हम भाग दे देंगे 100 में, सिंपली कुछ नहीं करना है, 8 से भाग दे देंगे 100 में, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमसे कुछ भागफल प्राप्त हो जाता है। तो फ्रेंड इसका भागफल आ गया 12। इसी तरह फ्रेंड्स 8 से हमको भाग देना है 800 में, 800 से भाग देंगे तो फ्रेंड्स ये 100 बार में पूरी तरह से काट देगा। तो फ्रेंड आप देखो, आप ये देखेंगे कि 100 बार में ये 8 पूरी तरह से काट दिए 800 को। फ्रेंड्स, आपको ध्यान देना ये है कि जब पूरी तरह से काट दे बड़ी वाली संख्या को, जब दी हुई संख्या पूरी तरह से काट दे, तो फ्रेंड करते क्या, जो भागफल आता है उसमें से एक घटा देते हैं, एक घटा के फिर से वही प्रोसेस अपनाते हैं फ्रेंड्स जो पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो फ्रेंड्स, जब एक घटाएंगे 99 आएगा। फ्रेंड्स, फिर से 99 में से हम 12 घटा देंगे तो आपको किस चीज़ पर से 87 इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक बार फिर से ध्यान दीजिए क्या करते हैं, जब बड़ी वाली संख्या को दी गई संख्या पूरी तरह से काट दे तो भागफल में एक घटा के फिर से वही प्रोसेस करते हैं, यानी कि दोनों को भागफल को घटाते हैं लेकिन पहले एक घटा के जब पूरी तरह से भागफल को काट देता है। तो फ्रेंड ये आप ध्यान रखिएगा। आइए फ्रेंड देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 500 से 1000 के बीच, 500 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य है। फ्रेंड्स कह रहा है 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाज्य है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले, सबसे पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको एलसीएम ले लेना होता है, जितनी संख्याएं से काटना होता है उनका एलसीएम ले लेंगे। तो फ्रेंड इसका एलसीएम हो जाएगा 3 और 4 का 12, आपको फ्रेंड दिख रहा होगा 2, 3 और 4 का LCM 12 हो जाएगा। तो फ्रेंड जब एलसीएम आ जाए फिर से वही रूल अपनाते हैं जो हमने इसके पहले दो क्वेश्चनों में किया है। फिर इस 12 से हम डिवीजन करेंगे पहले 500 में, फिर तो फ्रेंड इसका भाग दे देंगे, जब हम भाग देंगे तो फ्रेंड्स हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका भागफल आ गया 41। इसी तरह फ्रेंड 12 से 1000 में भाग दे देंगे हम, कितने में फ्रेंड 1000 में भाग दे देंगे। तो फ्रेंड्स इसका इस प्रकार से हम देखते हैं कितना आ जाएगा, भाग दे देंगे फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं इस तरह से हमारा जो भागफल है 83 आ जाएगा। फ्रेंड्स कितना आ जाएगा, 83 भागफल इसका आ जाएगा, इसका फ्रेंड 83। तो फ्रेंड पूरी तरह से कटा नहीं है, तो इसलिए आपको करना है जो बड़ा वाला भागफल है उसमें से छोटे वाले भागफल को घटा देंगे, बड़े वाले भागफल में से छोटा वाला भागफल घटा देंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड जैसे ही हम घटाएंगे
आपको 42 आंसर मिल जाएगा फ्रेंड। इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड करते क्या है, सबसे पहले जो संख्या दी उनका एलसीएम निकालते हैं, फिर उसी एलसीएम से जो एलसीएम आएगा उसको दी गई संख्याओं से भाग देते हैं, दी गई संख्याओं में भाग देते हैं। तो फ्रेंड जो भागफल आता है उसको बड़े वाले भागफल में से छोटे वाले घटा देते हैं और आपको आंसर मिल जाता है। यदि फ्रेंड बड़ी वाली संख्या पूरी तरह से कट जाए तो भागफल में एक घटा देते हैं, एक घटा के फिर छोटे वाले को घटाते हैं, फिर आपको आंसर मिलता है। जैसे कि इसके पहले हमने दो नंबर क्वेश्चन में किया था। आइए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्रेंड अगला क्वेश्चन कह रहा है 200 से 600 के बीच, 200 से 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाज्य है। कह रहा है 200 से 600 के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो फ्रेंड करते क्या है, सबसे पहले जिस संख्याएं दी होती है उनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड इसका 4, 5, 6 का एलसीएम हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा फ्रेंड, 60 हो जाएगा। आप निकाल कर चेक कर लीजिएगा फ्रेंड, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। तो फ्रेंड जो एलसीएम आ जाए उसको संख्याओं में भाग देते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से हम कुछ भाग दे देते हैं फ्रेंड्स, इस तरह से हम जो कुछ जब भाग देंगे तो हमको कुछ ये प्राप्त हो जाएगा। कितना भागफल प्राप्त, इसका भागफल फ्रेंड हमको 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार जो एलसीएम आया उसको हम 600 में से भाग दे देंगे फ्रेंड्स। हम देखते हैं 6 बार में ये पूरी तरह से 10 बार में काट देगा फ्रेंड। कितनी बार में, 10 बार में पूरी तरह से काट दे रहा है। तो फ्रेंड्स ये पूरा पूरा कट गया। कौन सी संख्या पूरा पूरा कटी फ्रेंड्स, बड़ी वाली संख्या। जब बड़ी वाली संख्या कटती है तो हमने आपको बताया था तो एक घटा देते हैं भागफल में, एक घटा देते हैं तो कितना फ्रेंड बचेगा, 9। भागफल में जब एक घटाएंगे तो कितना बचा फ्रेंड्स, 9। अब इस 9 में से जो हमको एक और मिला एक घटाने के बाद जब मिला, इसको छोटे वाले भागफल को घटा देते तो 9 - 3 फ्रेंड्स अर्थात 6 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2 और 600 के बीच में है, जो 4, 5 और 6 तीनों से पूर्णतया विभाज्य होंगी 6 संख्याएं। तो फ्रेंड्स आपको समझ आया, थैंक यू फ्रेंड देखने के लिए। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए।